अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, आज आपको मिलवाएंगे अर्जेंटीना से हमारे दोस्त आए हैं। यकीनन सख्त सर्द मौसम में देसी साख्ता हीटिंग का सिस्टम भी हमने किया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आए हैं पूरा पाकिस्तान में बाइक पे घूमेंगे। तो इनसे पूछेंगे कि सवाद का आराम उनको कैसा लगा, और यहाँ की जो देसी साख्ता सिस्टम है या खूबसूरती है, इसके बारे में ये क्या कहेंगे। Okay, so we just got to Kalam and it's been raining, so we didn't have chance to have a look around very well, but so far what I have seen is very nice. There's a lot of forest, mountains, you could see a bit of snow in them, and the people has been really nice. And then about the trip around Pakistan in motorbike, it has been amazing. A great adventure, definitely one of the best ones I've ever had. It was full of surprises. Places with old and really interesting cultural heritage. I mean buildings like in Lahore or in Cholistan. Some amazing desert sceneries in Balochistan. Okay, how would you tell the people about, like, they have a certain perception about Pakistan, and then you've traveled like here for 6 months, so what is your perception now? What was it back then? After coming to Pakistan, experiencing here for 6 months, what is it now? Yeah, I think that pretty much everybody in the West, at least, that's what I know the most, has the idea that Pakistan is a dangerous place. I was lucky to meet some people a long time ago in India, and they had told me that people here were really, really friendly. And since then I had the idea in my mind. But I still had a bit of fear, you know. All my friends were telling me, like, you're crazy, man, what are you going to do in Pakistan? Even I remember when I was in Hunza, I sent the location to a friend and he was like, why are there so many forts everywhere? मैडम इसका उर्दू में तर्जुमा करें जो उन्होंने बताया। ये बेसिकली बता रहे हैं कि पहले जब पाकिस्तान आने से पहले ना, इनका परसेप्शन थोड़ा सा स्केप्टिकल था, कि डाउटफुल था, कि काफी लोग नेगेटिवली बात करते हैं कि पाकिस्तान सेफ नहीं है फॉरेनर्स के लिए, लोग मतलब अच्छे नहीं है। लेकिन पहले ये इंडिया गया था, फिर इंडिया से यहाँ पे आया। इवन इंडियंस ने कहा है कि पाकिस्तानी लोग काफी फ्रेंडली हैं, और फिर जब इसने यहाँ पे घूमा है, ही मेट सो मेनी, मतलब पॉजिटिव इसका एक्सपीरियंस रहा है, लोग इसको कोई काफी हेल्पफुल मिले हैं। अभी ये बाबर के बारे में भी बात कर रहे थे, इनके बारे में, अमीन भाई के बारे में बात कर रहे थे कि काफी हॉस्पिटेबल इसको ट्रीट किया जाता है यहाँ पे, इवन सिर्फ इसको नहीं, सारे फॉरनर्स को। तो ओवरऑल इसका एक्सपीरियंस काफी पॉजिटिव जा रहा है, और यहाँ से भी पॉजिटिव ही फीडबैक लेकर जाएगा फिर आगे जो बाकी इसके जो कंट्री में लोग हैं, तो उससे पाकिस्तान के बारे में और पॉजिटिव ही बात करेगा। आई थिंक आई हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड बीन टू क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस एंड आई हैव नेवर फेल्ट एज सेफ एज हियर, फॉर रियल, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग। आई थिंक दैट हियर इज द सेफेस्ट प्लेस आई हैव बीन टू इन माय लाइफ। कह रहे हैं कि जितना इसको लग रहा था ना कि पाकिस्तान थोड़ा सा डेंजरस होगा या अनसेफ होगा, उतना ही इसको सेफ यहाँ पे फील हो रहा है। यहाँ के लोगों के साथ इसका कनेक्ट काफी इसने कर लिया है, और कंपेयर टू हिज ओन कंट्री, यहाँ पे इसको काफी वही वाली सेफ्टी यहाँ पे भी इसको नजर आई है, फील हुई है। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू, वेरी वेलकम।